जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक आतंकी ढेर। एनकाउंटर का दूसरा दिन कल हेड कांस्टेबल की मौत हुई थी। डीएसपी और एएसआई घायल। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में बिलावर तहसील स्थित कोग मंडली में आज रविवार को दूसरे दिन सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। अधिकारियों ने बताया कि आज दोपहर में एक आतंकी मारा गया है। आतंकी का शव बरामद हो गया है। जम्मू जोन के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आनंद जैन ने बताया कि सुरक्षा बलों ने शनिवार 28 सितंबर को सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। उन्हें 3 से 4 विदेशी आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। देर शाम आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसमें हेड कांस्टेबल बशीर अहमद की मौत हो गई। डीएसपी और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर घायल हुए थे। दोनों अधिकारियों की हालत अभी स्थिर है। कुलगाम के आदिगाम देवसर इलाके में शनिवार 28 सितंबर को एनकाउंटर हुआ। इसमें सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। गोलीबारी में सेना के 4 जवान और कुलगाम के एएसपी घायल हुए। साउथ कमिश्नर के डीआईजी जावेद इकबाल मट्टू ने भास्कर को बताया कि आदिगाम एनकाउंटर में मारे गए दोनों आतंकियों की पहचान हो गई है। इनमें एक आतंकी आकिब अहमद शेर गोजी, जो बड़गाम के चडूरा का रहने वाला है। दूसरा आतंकी उमेजवानी है, जो कुलगाम के चावल गांव का रहने वाला है। दोनों आतंकी संगठन लश्कर ए तेबा के लिए काम करते थे। पुलिस ने शुक्रवार 27 सितंबर को पुलवामा के अवंतीपोरा में टेरर मॉड्यूल का खुलासा किया था। पुलिस ने जैसे मोहम्मद के 6 आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार किया। ये युवाओं को आतंकवाद की ट्रेनिंग देते थे। इनके पास से 5 आईईडी, 30 डेटोनेटर आईईडी की 17 बैटरी, 2 पिस्टल, 3 मैगजीन, 25 राउंड, 4 हेड ग्रेनेड और 20,000 कैश बरामद हुआ।